Hi everyone, bringing another video for you guys. This time we are in Strathmore, which is a surrounding suburb of Ascot Vale, Moonee Pond, Essendon, and now we are driving to Meadow Heights. This suburb is kind of more close to the city, and there are beautiful views from some of the streets, like you can see a bit of hilly and steep streets. It's a nice, well, for some people not, it's a nice cloudy day now. And it's a bit windy and cold outside. So it's around 15 minutes drive from Strathmore to Meadow Heights. So we are taking left onto this Pascoe Vale Road. Pascoe Vale is another surrounding suburb of Strathmore. We'll be driving on this same road for another 7.5 kilometers. Okay, well, I can see there is a flashing lights ahead of me. यहाँ पे पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है मुझे आगे. आप भी शायद देख सकते हैं. Don't know वहाँ क्या है. Hopefully जाएंगे तो पता चलेगा. जैसे बोलते हैं उर्दू में, नाका लगा हुआ है. So look like there is something goes wrong. या random check हो रहा है. Random check हो रहा है कि why you are out of your house. तो जो कर्फ्यू अभी चल रहा है, स्टे होम वाला, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ स्पेसिफिक रीज़न टू बी आउट, ये आपको पुल ओवर करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं. यू हैव टू हैव अ परमिट, और अगर नहीं होगा तो $1,652 का फाइन है. सो यू आई मीन इफ़ यू आर लोकल, यू हैव योर आईडी, आपके पास जैसे अपना NIC होता है, आईडी कार्ड होता है, उस पर आपका एड्रेस होता है कि आप अपने 5 किलोमीटर्स में ही हैं. और अगर काम से जा रहे हैं तो यू हैव अ परमिट, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा होगा, आप अगर आपका अपना काम है तो आपने लिखा होगा हाँ जी कि मैं, ये मेरा काम, मतलब बिजनेस का नाम है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर ABN, ये है और मैं यहाँ जा रहा हूँ. यू हैव टू हैव आई मीन उस इवन कि आपका अपना काम है, आप उसमें लिख सकते हैं, टाइमिंग्स अपने एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इट हैव टू बी साइंड बाय यू. अनफॉर्चुनेटली ये बंदा शायद कुछ सोच में था तो मुझे इसको हॉर्न देना पड़ा कि यू हैव टू गो. सो हॉर्न का सिर्फ इतना ही काम होता है. हाँ, अगर किसी को जस्ट एक अटेंशन दिलानी हो या सेफ्टी परस्पेक्टिव के किसी भी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट है, या जैसे लाइट्स रेड टू ग्रीन हो गई और उसको नहीं पता चला, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ओनली कैन यूज. और एक फ्रस्ट्रेशन का भी साइन होता है, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीज़न कि आप ऑन बीप करें. तो अभी जो मैं एरिया से गुजर रहा हूँ, आगे पास्को वेल के साथ स्ट्राथमोर के साथ पास्को वेल के साथ एक्सक्यूज मी है ग्लेन रॉय.
सो लेफ्ट साइड पे जो मेरे एरिया, सॉरी राइट साइड पे जो मेरा एरिया है वो है ग्लेन रॉय। इधर भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, क्योंकि इसके साथ एक और सबब है जो है फॉकनर, वहाँ एक फॉकनर मॉस्क भी है। सो आई मीन इट्स प्रेफर्ड समटाइम टू बी लिव इन अ एरिया वेयर यू हैव ऑल योर स्टफ विच यू नीड, यू नो। यहाँ पे हलाल बुचर है, गोश्त की दुकान है हलाल, और ग्रॉसरी स्टोर्स है, मतलब इट्स अ नाइस हब, क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग प्रेफर्ड करते हैं इस एरिया में या इस क्लोजेस्ट एरिया में रहना। और ये बहुत ही एक जो ये जो पैच नज़र आ रहा है जहाँ शॉप्स हैं राइट और लेफ्ट पे, इट्स क्वाइट बिजीएस्ट स्ट्रीट अगेन ऑफ द लोकल सबर्ब, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सब कुछ मिलता है। So I'm not going to editing any part of the video, is only because I let you watch. Though it's the same sort of road map and structure, आपको same road लगेगा, लेकिन I let you watch के how the infrastructure is, कितने खुले road हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन से brand हैं यहाँ। I let you watch all that through yourself, and all if something comes up, I will just gonna explain bit about it. ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे पौधे फूल लगे हुए थे, कुछ एक खम्भे के साथ बांधे हुए थे। इसकी वजह ये होती है कि जब किसी का कोई एक्सीडेंट होता है और वहाँ वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो यहाँ पे जो उसके फैमिली वाले या क्या कहते हैं उसके फ्रेंड्स, एज अ सिंबल ऑफ लव और एक ताज़ियत के लिए वहाँ पे फूल रख जाते हैं, लगा जाते हैं। ऑल दो अभी मेरा ख्याल है शायद 2 साल पहले ये मैंने न्यूज़ सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था इस चीज़ को वो मना कर रहे हैं, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कई दफ़ा फूल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई दफ़ा साथ कई लोग एक तस्वीर भी लगा देते हैं। आई मीन जस्ट दिस इज़ हाउ दे शो द लव, यू नो, जो जो जिसका एक्सीडेंट हो गया। सो दिस इज़ अगेन, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ नॉट अ ट्रेडिशन, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। सो ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये है शॉपिंग सेंटर। आई मीन इट्स अमेजिंग बिकॉज इसमें तकरीबन जैसे हर शॉपिंग सेंटर में होता है कि तकरीबन सब कुछ ही हर चीज़ मिल जाती है, यहाँ भी ऐसा ही है। But it's just like, you know, it's quite big. सबसे easy है parking, it's quite a lot parking here, so you don't have to struggle as compared to High Point sometime. I will definitely show you that too. So it's tough to get a parking in High Point at some stage. No, it's an 80 zone. Everyone is driving to still 60.
So it's another around 2-3 minutes drive. We'll be taking a left now onto this Bari Road. This road ka naam hai Bari Road. Aur jo area hai wo hai Meadow Heights. स्पीड ब्रेकर है, आई नो लुक्स स्ट्रेंज, लेकिन आप सेंटर से गुजार सकते हैं, मगर डिपेंड किया तो बेहतर है कि आप रुक जाएं, क्योंकि अगर आपकी आपका अंदाज़ा गलत हो गया या आपकी गाड़ी इतनी वाइड नहीं है, सो इट्स गोना डैमेज. ये है बीथल गली रिजर्व ऑन माई लेफ्ट. आगे ये जो रिजर्व आ रहा है इसका नाम, ये दो रिजर्व हैं, उनको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं इन्होंने. एक है जॉन इल्हान मेमोरियल रिजर्व और दूसरा है आगे ब्रॉड मैरोज डॉग पार्क. Guys, that's it for today. So we bring another video for you guys with another suburb. Please don't forget to subscribe my channel, like it, share it, comment it, and please let me know what else you want to know about Melbourne, any specific area or any specific street. Thanks again for watching. Have a nice day. Bye.